अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कल शहर के गणेश नगर के बिल्कुल करीब मौजूद देवनूर किरे, जिसे आमतौर पर गिलाजत का धेड़ माना जाता है, अतराफ वकनाफ कई एक रेवेन्यू मकानात मौजूद हैं। गणेश नगर के बिल्कुल बाजू एक लेआउट, और उस लेआउट को जाने के रास्ता जो मोड़ा का करार दिया गया है, इस रास्ते को लेकर कल एमपी प्रताप सिंह अचानक वहाँ पे आदम के, उनके साथ दीगर लीडरान भी मौजूद थे बीजेपी के, जैसे डॉक्टर अनिल थॉमस और संजय स्वामी, इसी तरह ग्रीधर और वगैरह कई एक लीडरान मौजूद थे। प्रताप सिम्हा ने इस वक्त बताया कि ये तमाम गैरकानूनी तौर पर जो होने वाला हो रहा है उसको रोक लगाना बेहद ज़रूरी है, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ के कई मकानात जो गैरकानूनी तौर पर बन चुके हैं उसको मुसमार करना ज़रूरी है। ये बात को लेकर कल बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है, और अतराफ अकनाफ मुन्नेश नगर हो या अतराफ देवनूर तालाब के अतराफ जो मकानात हैं, उन मकानात के घर वालों को एक किस्म की परेशानी देखी जा रही है, और जिन लोगों के पास खाता कंदाया मौजूद है वो अपने आप में यही कह रहे हैं कि अगर हम गैरकानूनी तौर पर रह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमें कैसे हासिल हुई है, पानी का इंतज़ाम हमें कैसे मिल रहा है। बाकायदा हम टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या पानी के बिल वगैरह हो। इनकी अपनी बात भी सही है। प्रताप सिम्हा जो हमेशा खुसूसन मुस्लिम इलाकों को लेकर हमेशा निशाना बांधते हैं, उन्होंने जो स्लीपर सेल्स है उसको लेकर बाकायदा ये कह दिया है कि उदयगिरी, राजीव नगर और गौसिया नगर खुसूसन एक ऐसा स्टिंग, एक ऑपरेशन की ज़रूरत है जो जहाँ से हर चीज़ पाक साफ हो सके। यानी उनका ये मानना है कि इन मुस्लिम इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाई की कहीं ना कहीं सरगर्मियों पर नज़र रखना ज़रूरी है। ये एक तरह से इन इलाकों के तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही तशवीशनाक बात है। इस हलके के एमएलए तनवीर सेठ से तमाम यही उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं कि इस मामले को लेकर वो अपने इख्तदार के बलबूते पर आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे, क्योंकि जब भी हलके रसी महाराजा को लेकर, चाहे वो मसाजिद का मामला हो, अपना पलटवार ज़रूर दिए हैं, और खुल्लम खुल्ला प्रताप सिम्हा के इस तरह के बयानात का जवाब उन्होंने ज़रूर दिया है। बहरहाल अब इस मामले को लेकर तनवीर सेठ की क्या कार्रवाई होगी वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। अभी मैसूर के कारपोरेटर बशीर अहमद इस मामले को लेकर अपना बयान दिए हैं, जिसे पेश किया जा रहा है। कौशल न्यूज़ की इस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सर्वे नंबर 189 जो ज़मीन है 30.1 कुंट है, उसके ताल्लुकात से कल ले ज़मीन तो ओरिजिनल है वो जी, जो ज़मींदार है वो मैसूर के माने हुए हस्ती है, एक इज्जतदार घराना है वो। उसके बावजूद ये राजकीय के वास्ते कल बीजेपी के लीडर प्रताप सिम्हा सब आकर वो गलाटा किया जी। मैसूर शहर के अंदर तो बहुत से तालाब ऐसे मूचे गए हैं और मुझ भी गए, बड़े बड़े बिल्डिंग भी बन गए हैं जी। ना प्रताप सिम्हा आया था, ना बीजेपी के आरएसएस के कभी लीडर आए थे। अब उनको एक पॉलिटिकल स्टंट चाहिए था कि राजकीय करना चाहिए था कि एनआर क्षेत्र के अंदर के यहाँ के लोगों को बदनाम करने के लिए जी। इससे पहले कि आपको मैं कुछ बताऊं, आप देखिए ये 24 कुंटे की पानी है, ये 24 कुंटे की पानी है, हाउस 7 कुंटे सर्वे होना है, ये एनओसी घोड़ा की है जी। दूसरा आगे ये आगे स्केच है वही जगह का जी, ये पूरी लीगली जगह है, 30.1 कुंटे है, और फिल्मा खबर हाथ के अंदर 24 कुंटे की पानी है जी। और ये जो प्रॉपर्टी जो हम लिए हैं, मैसूर के इज्जतदार घराना है जी। पूरे ऑफिशियल और इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर से ये घराना, मैसूर के अंदर लगभग इनकी 100 से 150 एकड़ जमीन है। ऐसे लोगों को लेकर ये बदनाम करना सरासर बीजेपी वालों की गलती है। प्रताप सिम्हा को ये चाहिए था सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मंगाकर चेक करना चाहिए था, ये तालाब की जगह है क्या, किसकी जगह है। जगह अगर तालाब की होती तो हम इसे बाकायदा खड़के, मैं भी एक जिम्मेदार कारपेंटर हूं, मैं भी वहां खड़कर तालाब की जगह को और बड़ा करते, इसे खड़कर क्या क्या जिम्मेदारी लेके काम करते थे। लेकिन आकर ये प्राइवेट लैंड है, अगर वहां तालाब बनाना चाहिए तो भी ये प्राइवेट लैंड वालों को बुला के बात करके प्रताप सिम्हा ये जमीन के पास आना चाहिए था। किसी एक ने उधर खड़कर प्रताप सिम्हा को ये फोन करके बोल दिया तालाब की जगह पकड़ रहे, तो प्रताप सिम्हा मैसूर सिटी और कोडक के एक एमपी है, एक जिम्मेदारी पर है, और दो बार जीते हुए एक एमपी है वो।
ये कोई भी फोन करने से भाग के आ जाने से बदलाव की होती है। आपको समझना चाहिए था मुड़ा के ऑफिसरों को आपके दुकान आपके ऑफिस में बुलाकर कॉर्पोरेशन के ऑफिसरों को पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाकर बात करना चाहिए था। अगर सही में ये जगह गलत हो तो आप हमारे पर एक्शन लेना चाहिए था। एक इज्जत घराने को रोड पर लाकर खड़ा कर बेइज्जती करना सरासर गलती है। ये प्रताप शर्मा की छोटी छोटी गलतियों की वजह से आवाम देख रही है। ये पॉलिटिकल स्टंट है, खाली राजकीय करने के वास्ते एनआर क्षेत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एनआर क्षेत्र के अंदर मुसलमान इश्क नहीं, यहाँ पर गैर कौम भी है, हर मजहब के लोग है। यहाँ हम देख रहे हैं एनआर क्षेत्र एक शांति का एक पैगाम देने वाला क्षेत्र है। यहाँ को एक बिगाड़ पैदा करने के वास्ते बीजेपी के लीडर प्रताप सिम्हा बार बार यहाँ के लोगों को टारगेट बनाना, हमारे लोगों को कमजोर बताना, कुछ कुछ बोल के ऐसा कुछ फसाद करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि 6 महीने में स्टेट का इलेक्शन है, इलेक्शन के वास्ते ये ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि आपस में हम लड़े के लड़कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआर क्षेत्र के मुसलमान और यहाँ के गैर कौम भाई सब हम मिलकर है, और पूरे कर्नाटका के जितने भी हिंदू और मुसलमान 6.5 करोड़ आवाम यहाँ की है, हम एकता से जा रहे हैं। प्रताप सिम्हा के जैसे और जो जो भी कल आए थे लीडर, ऐसे चिल्लर लीडरों से कुछ भी होने वाला है। आज समझदार है कौम, कौम आज बहुत समझदारी से काम कर रही है, समझदारी से चलना चाहिए। रही लैंड का मामला, आपको मैं भी आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ, दोनों न्यूज वाले आए हैं, आपको न्यूज वालों को भी देता हूँ, आपको भी दिए ले ले के चेक कराइए। अगर इसमें हमारी गलती है, हमारी लैंड लेने की भी कोई गलती है, हमें दिए हुए उनकी भी कुछ गलती है, उसे हम एक्सेप्ट करने का से तैयार है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, 30 पॉइंट क्लियर है। सेंटेज भी हो गए, इसका हो गए मुड़ा का सेंटेज भी का ये सर्वे कर है, एनओसी है हमारे पास, उसकी पानी है, इसके साथ क्या है वहां सियासत करने के लिए जमा हुए थे, बस इतना और दूसरा कुछ भी नहीं था। बेमतलब बातें करके बेमतलब बदलाव करने का एनआर क्षेत्र के मुसलमानों को और गैर कौमों को यहाँ की पूरी आवाम को प्रताप सिम्हा और के साथ ही वहां बदलाव करके गए हैं बस। सर एक सवाल आवाम पूछ रही है कि क्या वो जगह वहां पर जो जगह थी उसको आपने खरीदा था? मैं और मेरे दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं सल्लू हबीबदा सब मिलकर ये खरीदे हुए जगह 30 पॉइंट जमीन है। मैं आपको भी पेपर दूंगा, आप जाके चेक करिए, बुणा में चेक करिए, कॉर्पोरेशन में चेक करिए, आप जहां जहां चेक करिए उनके नाम से पानी आएगी। 65 साल से उनके वालिद, उनके बेटे के नाम से पूरा डॉक्यूमेंट्स अपडेट है। ये फैमिली ऐसी है मैसूर शहर के अंदर, दामदार फैमिली है। प्रताप सिम्हा भी अगर उनकी फैमिली के बारे में पूछेगा सुनेगा तो प्रताप सिम्हा भी उठ के उनको सलाम और सलूट करेगा, इतनी गारंटी मेरी है। सर आपका कहने का मतलब है कि जो प्रताप सिम्हा का कल विजिट था वो ऑफिशियल विजिट नहीं था, बस एक कॉल पे विजिट करी हूँ ना? मैडम वहाँ उसका कुछ मामला ही नहीं, प्रताप सिम्हा चुप ऐसे ही। अगर एनआर क्षेत्र मुसलमानों का नाम सुनने के साथ प्रताप सिम्हा को ऐसी इंडिशन आ जाती है पेट में से, ऐसा उसको आ जाता है, वो फोन करके पूछना चाहिए था ये जमीन के पास जो गलाट आ रहा हो सही है या गलत। बूढ़ा कमिश्नर खुद बोल रहा है जल्दी सर्वे करवाइए, अगर जमीन कह रहे की है तो हम छोड़ के देंगे। वो फोन ही नहीं किया, 10 आदमी जमा होके वो पॉलिटिकल स्टैंड बनाने के लिए राजकीय करने के वास्ते बोले। प्रताप सिम्हा भर के मन फ्री पेट्रोल डाल के दे देते हैं गवर्नमेंट का, लेके आ गए। वो अगर है भी गलत तो दोनों तरफ का फैसला करना चाहिए उनको। सर एक और बात यहाँ पर ये आ रही है, जिस तरह हमने कल वहां पर मौजूद थे, तो अगर आप कानूनी पूरी तरह से आपके पास दस्तावेजात हैं तो आप वहां पर क्यों नहीं रुके? क्यों आप प्रताप सिम्हा के साथ एमपी के साथ जो है बात नहीं करे, क्यों आप नहीं रुके? सर ये भी आवाम पूछ रही है। सर सही बात आप जो पूछ रहे हैं, मैं वहां पर 10:30 अंदर गया। कहां पर? जो जगह के पास 10:30 आप सब आए, 12:30 आए, बेशक 2 घंटे अंदर उतरी थे। हमारे विदयगिरी के जो सर्कल इंस्पेक्टर राजू हैं, हमारे जो सुनील सर हैं वो और एसीपी सर सब आके बहुत कॉपरेट किया है। वहां पर ऐसी ऐसी शरारतें उसने की है। वो थॉमस जो डॉक्टर है, यहाँ के आवाम से काम कर रहा है, यहाँ के आवाम को दवाई दे रहा है, यहीं आके शरारत कर रहा है। अनिल थॉमस ऐसी शरारत किया, अगर दूसरे तीसरे लोग होते तो वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती थी। हम एक जिम्मेदारी होते थे, चंद बातें सुने भी, हमारे कानून के भी सुने, हम सुन के भी क्या करें, सबर करके ये आवाम तक बात नहीं जाना बोल के हम सबर करके उधर ही बैठे थे। हमारे को एसीपी साहब और राजू साहब सुनील साहब क्या बोले, आपका काम हो गया, आप यहाँ से निकल के जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। हमारे को बुलाए ही वहां से, पुलिस वाले ही बुलाए हमारे को, हम वहां से कोई नहीं गए, हम वहां जबरदस्ती जिद करके खड़े हुए थे। प्रताप सिम्हा आने दो, दूसरा तीसरा कोई भी आने दो, उसको जवाब देंगे, यही चपले खड़े थे। वहां पे क्या हुआ कुछ प्रताप सिंह आने के साथ, या हम भड़क जाएंगे या तो वो भड़क जाएगा, कुछ लोगों हमारे में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये स्विच के डिपार्टमेंट क्या किया हमारे को वहां से भेजिए, हम वहां से भी निकल के कहीं दूर भी नहीं गए थे। आप देखना चाहे था बाजू होटल में हम पूरे बैठे थे, मैं ही नो सर कल्लू मामा सब हमारे पूरे हमारी पूरी ग्रुप के थी 15-20 लोग उधर ही बैठे थे, कहीं दूर भी नहीं गए थे।
उसके बावजूद पेपर में जो जो प्रताप सिम्हा जो बोले हैं ये सरासर गलत है। यहाँ की एनआर क्षेत्र के मुसलमानों को गैर कौमों को एक इल्जाम लगाकर बदनाम करने का काम प्रताप सिम्हा ने किया। तो जब से आप क्या कर रहे हैं, आप 10 साल के तो एमपी है, आप 10 साल से क्या आंखें बंद करके बैठे थे, नहीं कुछ और करने के लिए कहीं निकल गए थे, आपको भी समझ आया था ना, 8 साल 9 साल से आगे देखना चाहिए था ना, आपकी भी जिम्मेदारी थी ना, एनआर क्षेत्र भी आपके इसमें ही आता है ना, क्यों नहीं आया? अब 6 महीने में इलेक्शन है, इलेक्शन होने की वजह से आप लोकसभा कर ये पॉलिटिकल स्टंट बनाकर एक राजिया कर कर लोगों में एक परेशानी डालकर आप एक स्टंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैसूर की कर्नाटका की आवाम मुशार हो गई है, आप देख रहे हैं जहां जहां भी जा रहे हैं बीजेपी वहां से बेइज्जत होकर निकल रही है, आप सब देख रहे हैं। आप सीधी तरीके से चलेंगे, हर मुसलमान को गैर कौम को हर मजहब वालों को आप साथ लेके चलेंगे तो आवाम आपकी तारीफ भी करेगी, आपके साथ भी रहेगी। आप एक ही कम्युनिटी को साथ लेकर एक कम्युनिटी को तो आप फ्लॉप कर ये कुछ भी होने ना है ना, आने वाले इलेक्शनों में इसका रिजल्ट 100% हम सब एनआर क्षेत्र से गए बार 60 को 5,000 वोट लिए थे, इस बार 80,000 वोट लेकर तनवीर सेठ दिखाएंगे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर इस लैंड को लेकर? मैडम लैंड का मामला क्लियर है, इसमें लैंड का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ सियासत ही चल रही है। लैंड का इसमें 1% भी कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारी पाक जमीन है, हमारी जमीन के बारे में आप जाके इंक्वायरी करिए, एक्सेप्ट आपको जाने के टाइम हम पेपर देंगे, पेपर का इसमें जमीन का लेना देना कुछ भी नहीं है। शुभ शरारत करने के वास्ते एनआर क्षेत्र के अंदर अनिल थॉमस और एक नाम कुछ गिरी क्या उसका नाम है वो आया था गिरीधर और प्रताप सिम्हा और स्वामी सब मिलकर आए थे, इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट स्वामी का कुछ भी नहीं था, जितना उन्होंने हैंडल करना था करे, लेकिन यहाँ पर गिरीधर और तुम्हारा अनिल थॉमस है ना वो बहुत शरारत करे, बेमतलब बातें करके शरारत भी किए लड़ी करने की, लेकिन हम उसके साथ साथ कुछ भी नहीं किया, हम आराम से जो जो करना था वो काम करके खत्म करके डिपार्टमेंट के साथ हम उनको समझा के आए, अगर आपकी जमीन है केरे की जमीन है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खड़के ये केरे का काम करके दूंगा, जो भी मट्टी डाले पूरी मट्टी उठाकर वापस जैसा है वैसा करके देंगे, अगर हमारी जमीन है 30 पर 1 फुट तो ये जितने खड़े हुए हैं इनसे ज्यादा लोग आएंगे तो भी वहां शक डालकर हम दिखाएंगे, चैलेंज करके आए थे। माशाल्लाह। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह का एक खौफ का माहौल पैदा हुआ जिन्होंने ये प्रताप सिम्हा बात करने के बाद जो है सारे मैसूर की आवाम जो है मुझे अक्सर फोन करके वो कौन है क्या है लैंड के बारे में बहुत सारे जमीनों को लेकर जो है कश्मकश में है खौफ में है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं आवाम को? सर प्रताप सिम्हा है ही कौन खौफ लेने के लिए, गवर्नमेंट है इधर, प्रताप सिम्हा एक एमपी है, वो गवर्नमेंट का ये काम करने वाला जिताए हुए लोग है, हम उसे डरना चाहिए, कोई ऑफिसर आके बोलता कोई मोड़ा का कमिश्नर कॉर्पोरेशन का कमिश्नर आके बोलता जमीनों के बारे में ऐसा रहा तो हमें डरना चाहिए, प्रताप सिम्हा सबसे बड़ा लैंड माफिया है वो, उससे हम क्यों डरेंगे? प्रताप सिम्हा के से हजारों लोग हमारे क्षेत्र के अंदर है, हमारे वार्ड के अंदर है, वो अहदे पे है, उसका आरोप भी हमारा है, अगर मेरे को वो जगह मिलेगी तो हम भी वैसे करेंगे, लेकिन हम करेंगे तो इंसाफ के लिए करेंगे, वो गलत कर रहा है बस, कौन है प्रताप सिम्हा? यहां प्रताप सिम्हा की मां कोई नहीं, एमपी है बस इज्जत करते हैं, वो छोड़ के आएगा तो उसका जब्त उसी तरीके से भी देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, जमीन पैसे दे के लिए है वहां शेड डालेंगे वहां सर्वे चंडी हमें सर्वे कराएंगे, अगर हमारी जमीन आएगी 100% वहां शेड डालकर आपको दिखाएंगे, आपको ही बुला के मीडिया में दिखाएंगे। कुल मिलाकर लोगों को गुमराह करके हुकूमत करने का मंशा है उनका, यही काम है इनका कि लोगों को गुमराह करना डराना, ये कम्युनिटी को हम अच्छे हैं क्योंकि बताना ये कम्युनिटी के खिलाफ कर रहे हैं। एनआर क्षेत्र मैसूर कर्नाटका के अंदर वो ट्रेंड चले गया, वो खौफ और डर बीजेपी का निकल गया है, इंशाल्लाह आने वाले 6 महीने के अंदर जैसे ही निकल जाएगा आप सब देखेंगे प्रताप सिम्हा नहीं दूसरा तीसरा इससे बड़ा भी आएगा तो आवाम इसका जवाब कैसे किस तरीके से देगी, खामोशी से देगी, ये लड़ा के झगड़ा के ये कुछ करने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम मोहब्बत तो एकता के साथ देगी, आप जब ये 6 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। सर जैसा कि आप बोल रही हैं एक पॉलिटिकल इशू बनाकर उन स्पॉट को विजिट देखो ही बोलकर, सो गिरिधर नाम के जो बीजेपी लीडर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भी देखो ही, अगर तनवीर सेठ को एनआर कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालने नहीं हो रहा है तो उन्होंने क्विट करें दे रिजिग्नेशन दें दे अगर को सभी बोलको ही, इससे आप क्या बोलते? गिरिधर को एक ही चेक बात बोलते हूँ, सो मैं गिरिधर को सबसे पहली बात तनवीर सेठ को माफी चाहने के वास्ते बोलो, जब से आजादी हुई तनवीर सेठ साहब के वालिद से पकड़कर आज तक हुकूमत कर रही है नार क्षेत्र के अंदर, आप सब जानते हैं 13 बार के उनके वालिद और वो मिलकर यहाँ के एमएलए हैं, अगर तनवीर सेठ साहब को यहाँ की वहां आवाम नहीं पसंद करती नहीं चाहती
तो हर बार 10-10 हजार वोट बड़ा बड़ा के जिता देती थी। आप देख रहे हैं गए बार 40-5 हजार वोट यहाँ के गैर मुस्लिम तनवीर शेख साहब को दिए हुए हैं, क्योंकि तनवीर शेख साहब एक सेक्युलर लीडर है, या सच्चे लीडर है, वो सब जानते हैं मुसलमानों के वास्ते, गैर कौमों के वास्ते इंसाफ करने वाला कोई लीडर एनआर क्षेत्र के अंदर है तो वो तनवीर शेख है, क्योंकि सब मालूम है। ये गिरीधर के जी से 100 लोग आते हैं जाते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। 109 सर्वे नंबर 109 हसीब शकीब रहमान, ये फैमिली की प्रॉपर्टी है इनके, अब तक 40-50 प्रॉपर्टी आदि से है, वो कभी कोई प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं करे। ये प्रॉपर्टी रहने के वजह से जाके सर्वे करके पसवा के सर्वे, गवर्नमेंट सर्वे भी करके है, सब चीज करके है, इसमें कुछ भी एक पैसे का गलती नहीं है। मुड़ा से क्लियर सर्टिफिकेट, मुड़ा से एनओसी भी है ना, मुड़ा का एनओसी। अभी जॉइंट सर्वे भी हो गया, अभी कमिश्नर आके जॉइंट सर्वे किया, वो जॉइंट सर्वे की कॉपी भी है, मुड़ा उसमें देख लो, तुम्हारे भेजते देख लो। ये काली क्या करके बोले तो हिंदू मुसलमान का ये पॉलिटिकल गेम खेलने के वास्ते आए, सो तनवीर सेठ को बदनाम करने के वास्ते। तनवीर सेठ इस चीज में इन्वॉल्व नहीं, चुप चुप के टीवी वर्ल्ड आए, हमने बोला क्या बोला, गिरीधर ना क्या बोला, चैलेंज करा उन्हें। 30 साल से मैं हूँ ये जगह की, एनओसी पैसे ले ली क्या की लड़की नहीं, तो मैं पूरे अन्याय के सामने माफी चाहता हूँ करके बोला। अगर सही उन्हें एक इंसान रहा तो पैसा जैसा पूरे अंग जमाया था सबको जमा कर माफी चाहना। वो डॉक्टर जो है उन्हें बहुत इसके बातें करा, रफ बातें करा, हमें खाली अनिल था, हमें इज्जत नहीं दी है, खाली हमें जगह में ही, हमारी जगह से कभी डिस्टर्ब नहीं होना, कौम को तकलीफ नहीं होना बोलकर, नहीं तो क्या होता था, उन्हें एक बात करा तो हम भी बात कर सकते थे कि तो हमारी जगह में खड़के बात किया, वो 109 में खड़के बात किया, हमें बाहर भेज सकते थे उसे, उसका हक नहीं था खंडे के लिए। हमें रेस्पेक्ट दिया, ऑफिसर थी, पुलिस थी, इनके सबने सामने रेस्पेक्ट दिया हमें, कि रेस्पेक्ट देना हमारा फर्ज बनता है। बोलना चाहता हूँ क्या भी जगह के बारे में क्या भी प्रॉब्लम है, किसी भी ऐसा डाउट रहा था मेरे को फोन करें, मैं पूरा डिटेल देता हूँ।